अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही लाजवाब स्वीट रेसिपी, कद्दू का हलवा यानी लौकी का हलवा। इसे शादियों और दावतों में स्वीट डिश की जगह बनाया जाता है। इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करेंगे, फिर इसमें ऐड करते हैं 3 टेबल स्पून प्योर घी। घी गर्म होने के बाद इसमें ऐड करेंगे 10 काजू, 10 बादाम और 5 पिस्ते को गर्म पानी में डालकर छिलका हटाकर बारीक कट कर लिया है से डाल देंगे और इसे क्रिस्पी होने तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। देखिए ये क्रिस्पी हो गए हैं, इसे निकालते हैं। इसी घी में हम ऐड करेंगे 2 हरी इलायची और कुछ सेकंड के बाद इसमें डालेंगे 1 किलो कद्दू घिसा हुआ। इसका छिलका और बीन्स अलग करके इसे लंबाई में इस तरह से खींच लिया है और इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी सूख जाए। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, इसका पानी ड्राई हो गया और इसे अच्छे से भून लिया है मैंने। इसमें ऐड करेंगे 400 ml दूध कद्दू को गलाने के लिए और इसे मिक्स कर लेते हैं। इसी में ऐड करेंगे 2 से 3 चुटकी ग्रीन फूड कलर, इससे कलर अच्छा आता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। और इसी में ऐड करेंगे 200 ग्राम शक्कर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे मिक्स करके कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे ताकि लौकी अच्छे से गल जाए। देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और इसे चेक कर लेंगे, लौकी अच्छे से गल गई है। और इसे हाई फ्लेम पर इसका दूध सुखा लेते हैं और ये हरी इलायची को निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही दानेदार और डिलीशियस हलवा बनकर तैयार हो रहा है। जो चाशनी है इसे इस तरह से साइड में करके कद्दू को, ये चाशनी को भी सुखा लेते हैं। टेस्ट बढ़ाने के लिए 250 ग्राम होममेड खोया ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे और हाई फ्लेम पर इसे कुक कर लेंगे। इसी में ऐड करते हैं तले हुए ड्राई फ्रूट्स और थोड़े से बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए और इसे मिक्स करेंगे कढ़ाई से हलवा छूटने तक। देखिए इसका घी अलग हो रहा है और हलवा बनकर तैयार है, हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा कद्दू का हलवा बनकर तैयार है, देखिए कितना रॉयल लुक आया है इसका। आप इसे ज़रूर बनाइए और आज़मा कर देखिए और मुझे पूरा यकीन है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो कमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।